एनएसकेआई आई यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। इस चैनल का हर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब में क्लिक करें। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि पेंट में 20 केबी के नीचे 4x2 cm सिग्नेचर कैसे बनाते हैं, वो भी अलग अलग डीपीआई में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेस्कटॉप में स्कैन फोल्डर में मेरा स्कैन किया हुआ सिग्नेचर रखा हुआ है, इसे एक बार देख लेते हैं। ये सिग्नेचर हैं। तो इस फाइल को हम पेन में ओपन करेंगे, राइट क्लिक ओपन विथ पेंट, पेन में ओपन हो जाएगा। इसे थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। ओके, अभी सिलेक्शन टूल में क्लिक करना है। नेक्स्ट सिलेक्शन टूल से सिग्नेचर को सिलेक्ट करना है जहाँ तक चाहिए, सिलेक्ट हो गया। अभी क्रॉप ऑप्शन में क्लिक करना है, क्रॉप क्रॉप हो गया सिग्नेचर। अभी रिसाइज बटन में क्लिक करना है, क्लिक ओके। सबसे पहले ये मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को डिसलेक्ट करना है। इसके बाद पिक्सल ऑप्शन में क्लिक कीजिए और यहाँ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पिक्सल वैल्यू देना है। यहाँ पिक्सल वैल्यू क्या होगा ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसका एक चार्ट है, इस चार्ट से हम पिक्सल वैल्यू देंगे। यहाँ डीपीआई के हिसाब से पिक्सल वैल्यू देना है। तो ये सिग्नेचर वाला स्कैन फाइल का जो डीपीआई वैल्यू है इसके साथ मिला के हम यहाँ से पिक्सल वैल्यू देंगे। तो चलिए स्कैन फाइल का डीपीआई वैल्यू क्या है देख लेते हैं। राइट क्लिक ऑन स्कैन फाइल, क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज, देन क्लिक ऑन डिटेल्स, स्क्रॉल डाउन। यहाँ देखिए डीपीआई वैल्यू दिखाई देगा आपको 150। तो हमें 150 डीपीआई वैल्यू के अगेंस्ट में 4x2 cm इमेज के लिए पिक्सल वैल्यू देना है। तो हमें पिक्सल वैल्यू देना है 236x118 पिक्सल। इसमें हॉरिजॉन्टल वैल्यू देना है 236 एंड वर्टिकल वैल्यू देना है 118 पिक्सल्स। ओके, नाउ एंटर वैल्यू, हॉरिजॉन्टल वैल्यू 236 एंड वर्टिकल वैल्यू 118। ओके, ये सिग्नेचर बन गया। अब इसे जेपीजी फॉर्मेट में सेव करना है। तो क्लिक ऑन फाइल, क्लिक ऑन सेव एस, और यहाँ कोई भी फाइल नेम दे दीजिए, मैं साइन रख देता हूँ। ये डॉट के आगे सेंस करना है। यहाँ सेव एस टाइप जेपीजी होना चाहिए। अगर आपका जेपीजी नहीं हो रहा है तो ड्रॉप डाउन में क्लिक करके जेपीजी सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद सेव में क्लिक करना है। ये सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में सेव हो गया। इसका मेमोरी साइज देख लेते हैं। गो टू स्कैन फोल्डर, ये हमारा सिग्नेचर है, इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज। यहाँ देखिए इसका मेमोरी साइज लगभग 18 KB है। तो हमारा सिग्नेचर बन गया जिसका मेमोरी साइज 18 KB है। अगर आप अपना सिग्नेचर का मेमोरी साइज और कम करना चाहते हैं तो इसका डीपीआई वैल्यू सेंस करना पड़ेगा। तो डीपीआई वैल्यू कैसे सेंस करते हैं वो भी दिखा देते हैं। तो सिग्नेचर का डीपीआई वैल्यू सेंस करने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, ओपन विथ, क्लिक ऑन एडोब फोटोशॉप। तो सिग्नेचर फोटोशॉप में ओपन हो गया। अभी टाइटल बार में राइट क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन इमेज साइज। यहाँ देखिए हमारा सिग्नेचर का जो पेन में बनाया था उसका साइज यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 4x2 cm, ऊपर पिक्सल में दिखाई दे रहे हैं। ये पिक्सल वैल्यू है जो हमने दिया था पेन में। और यहाँ देखिए ये डीपीआई वैल्यू है, ये सेंस करना है और ये सेंस करके 100 कर देते हैं। ये पिक्सल वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट साइज जो है 4x2 cm ये सेम रहेगा क्योंकि कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन टिक किया हुआ है। ओके, अभी इसे सेव करना है, सिर्फ सेव में क्लिक कीजिए, हो गया। अब इसका मेमोरी साइज देखिए, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, और यहाँ देखिए मेमोरी साइज बहुत कम हो गया, लगभग 12 KB। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एनएसकेआई।